टाटा संस के पूर्व चेयरपर्सन साइरस मिस्त्री की 4 सितंबर को महाराष्ट्र के पालघर में एक सड़क हादसे में मौत हो गई। लंदन से सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले साइरस को साल 1991 में ही शापोरजी पलोंजी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में शामिल किया गया था। उन्होंने कंपनी की जिम्मेदारी संभालते हुए शापोरजी पलोंजी ग्रुप यानी कि एसपी ग्रुप को काफी आगे बढ़ाया। उनके निधन के बाद कंपनी के भविष्य और उनकी संपत्तियों की चर्चा है। साइरस मिस्त्री के निधन के वक्त उनकी कंपनी की नेटवर्थ 2,31,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। साल 2012 में साइरस मिस्त्री टाटा संस के चेयरपर्सन बने थे। इससे 6 साल पहले ही वे टाटा ग्रुप के बोर्ड में थे और वे टाटा ग्रुप के चेयरपर्सन बनने के बाद अपने फैमिली बिजनेस से दूर रहे। कंपनी की जिम्मेदारी उनके बड़े भाई शापोर मिस्त्री ने ही संभाली थी। साल 2018 में बर्कले हुरून इंडिया रिच लिस्ट में मिस्त्री परिवार भारत में 4th नंबर पर था। उस वक्त साइरस मिस्त्री की संपत्ति 69,400 करोड़ रुपए बताई गई थी। उनके बड़े भाई शापोर पलोंजी मिस्त्री के पास भी इतनी ही संपत्ति थी। 2016 में टाटा ग्रुप से अलग होने के बाद उन्हें भले ही चेयरपर्सन के पद से मुक्त कर दिया गया हो, लेकिन टाटा संस में एसपी ग्रुप की 18.4% की हिस्सेदारी अभी भी है और उनकी आय के यही 2 प्रमुख सोर्स थे। शुरुआत में एसपी ग्रुप सिर्फ कंस्ट्रक्शन के कारोबार में थी। लग्जरी होटल, स्टेडियम, ऊंची बिल्डिंग्स और फैक्ट्रियां बनाती थी, लेकिन साइरस के आने के बाद कंपनी रियल एस्टेट, मरीन, रेलवे सेक्टर, पावर, टेक्सटाइल, तेल और गैस जैसे कारोबार में भी पहुंच गई। पारिवारिक संपत्ति के स्टेक होल्डर कई हैं, इसलिए अभी यह नहीं कहा जा सकता कि किसके पास कितनी संपत्ति जाएगी। साल 2019 में एसपी ग्रुप ने अपने मैनेजमेंट को बदला और अगली पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपी गई। बड़े भाई शापोर के बेटे पालोन को ग्रुप की होल्डिंग कंपनी के बोर्ड में शामिल किया गया, जबकि बेटी तान्या को ग्रुप के कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज की जिम्मेदारी दी गई। वहीं साइरस की पत्नी के अलावा उनके 2 बेटे फिरोज और जहान भी हैं, लेकिन अभी इन्हें कोई जिम्मेदारी मिली है या नहीं, इसे लेकर कोई जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है।